हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हेयर विद अनदर रेसिपी, दैट्स पंजाबी कढ़ी पकौड़ा, एंड दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज। देन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेसन को हमें रख देना है एक बाउल में, और साथ में ही बारीक कटा हुआ प्याज और कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें है नमक, हल्दी, मिर्च और अजवाइन। अजवाइन डालना स्किप ना करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें बाद में हमें डाल देना है बारीक कटा हुआ धनिया, अगर आपके पास ड्राइड धनिया है तो वो ही यूज़ करें। अब इसमें एक से दो बड़े चम्मच दही डाल दें और थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें। आप इसमें ना बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद साइड पर रख लेते हैं। अब हम कढ़ी के लिए इस प्रिपरेशन करते हैं। कढ़ी के लिए हमें दही में दो चम्मच बेसन डालना है और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिक्स करना है 5 से 10 मिनट तक। बस इतना करने के बाद इसे भी साइड पे रख ले। आप चाहे ना दोनों को साइड से साथ में पका सकते हैं, एक साइड आप पकौड़े बना दें और एक साइड कढ़ी बना दें। तो कढ़ी जो मैं पकौड़े बना रही हूँ उनको बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप इसे इन्हें आराम से खा सकते हैं, कोई भी ऑयल की टेंशन नहीं है इसमें। तो सबसे पहले मैंने आपके पैन में थोड़ा सा घी से ग्रीस कर दिया है और बस बैटर डाल दिया, और इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएं, क्योंकि जो ये बेसन है ना अंदर से कच्चा ना रह जाए, तो इसीलिए इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएं। बस अच्छे से पक जाते हैं ये। वैसे आप ना इन्हें ऐसे पकौड़े भी खा सकते हैं, मैंने तो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा खा दिए, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसमें आपको डीप फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप गिल्ट फ्री खा सकते हैं, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। बस अब क्या करना है हमें, हमारे पकौड़े जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम बना देते हैं कढ़ी। तो कढ़ी के लिए बिल्कुल सिंपल सा, हमें जैसे बनाते हैं बाकी सब्जियां वैसे ही बनाना है। ऑयल में डाल दिए हैं प्याज और अदरक और बाकी के बेसिक मसाले। उनके बाद हमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि जो हमारे मसाले हैं ना जल ना जाएँ। जब ये मसाले पक जाएंगे तो फिर हमें जो कढ़ी के लिए बनाया था ना दही और बेसन का घोल, इसमें डाल देना है और कंटिन्यूसली इसको चलाते रहना है, नहीं तो जो है हमारा दही है वो फट जाएगा और पूरी कढ़ी जो है ना ख़राब हो जाएगी, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। और इसको जैसे ही एक दो उबाल आ जाए ना, फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं, फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसको चलाने की। तो पकौड़े इतने टेस्टी थे कि मैंने बच्चों को भी दे दिए, और मैंने ज़्यादा बनाए थे और इतने खा दिए ना कि बाद में कढ़ी के लिए बहुत कम बच गए थे। तो आप देख सकते हैं अब जो कढ़ी है ना इसमें उबाल आ गया है, बॉईल हो गई है। तो अब जो पकौड़े हैं इनको इसमें डाल दें और मीडियम या लो फ्लेम पे अच्छे से कुछ देर तक इसको पकाएं, ताकि जो ये कढ़ी का फ्लेवर है ना पकौड़ों के अंदर अच्छे से चला जाए। पकौड़े बहुत ही अच्छे बने थे, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑयल को अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसे बना के खा सकते हैं। तो अब देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसमें। तो इनको बनाने के बाद अब मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए थे दूसरे बाउल में। आप चाहे ना यहाँ पे इसकी टेम्परिंग भी कर सकते हैं, ऊपर से एक और घी वाला तड़का लगा सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं लगाया था क्योंकि जो मैंने पकौड़े बनाए थे ना वो भी घी में ही बनाए थे, तो मैंने यहाँ पे नहीं किया है। आप कर सकते हो वैसे ऊपर से और घी का तड़का लगा के और धनिया डाल दें, तो हमारे कढ़ी पकौड़े बिल्कुल हो गए हैं तैयार। और साथ में चावल के साथ खाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इन द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।